अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट फेस वाइटनिंग मास्क लेके आई हूँ। इसको लगाने के बाद आप लोगों को इंस्टेंट से इसका इफेक्ट नज़र आएगा, यानी फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि आपको इसका कोई फ़र्क पड़ा है, यानी कि आपकी स्किन से थोड़ी सी आपकी टोन बेहतर होगी। जो डिसकलर होता है वो बेहतर नज़र आएगा, जैसे आप एकदम ब्लीच करते हो ना, उससे थोड़ा एकदम कलर का फ़र्क नज़र आता है। ये इसका भी ब्लीचिंग जैसा ही इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आता है, और एकदम आपको लगता है कि यार हाँ, हमारे फेस पे ना कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ये बड़ा इजी है बनाना। घर की सारी चीज़ें हैं जो आपकी किचन में आप जो कि चीज़ें अवेलेबल होती है ना, उनसे ही सारा बन जाता है। मैं अक्सर अपनी रेमेडीज वही यूज़ करती हूँ जो कि मेरे किचन से आराम से सब चीज़ें मिल जाती हैं और बन जाती हैं। तो ये भी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको आराम से आपके किचन से मिल जाएंगे, और आराम से आप इसको बनाओ और लगाओ और इंस्टेंटली वाइट, ब्राइट और शाइनी स्किन पाओ। अच्छा जी, अब इसको आप लोग बनाने के लिए वीडियो देखने से पहले एक काम आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपनी स्किन अगर चाहते हो ना कि बेहतर रहे, तो आप लोगों ने मॉइस्चराइज लाजमी करना है। विंटर्स में जब आप मॉइस्चराइज नहीं करते, आप मास्क लगाते जाते हो, तो आपकी स्किन ड्राई होती जाती है, क्योंकि मास्क जो है हमारी स्किन से डेड स्किन को उतारते हैं और मास्क हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर हमें लगाना पड़ता ही पड़ता है। तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है इस विंटर्स में, लाजमी कोई अच्छा जो है फेस मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करें। अच्छा जी, और उसके बाद एक छोटा सा आपने काम करना है, और काम ये है कि आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। चलिए जी, जाके वीडियो देखिए। सबसे पहले आप लोगों ने छोटे साइज का एक आलू लेना है, और आलू को इस तरह से वॉश करके उसका जो छिलका है ना वो उतार लेना है। आधे का छिलका उतार लीजिएगा, और आधा आपने अगर सेव करना है ना तो ऐसे ही आप छिलके समेत सेव कर लीजिएगा। छिलका उतारने के बाद आप लोग आधा आलू काट लीजिए, और उसको अच्छे से जो है ना पीलर से क्रश कर लीजिए, मतलब पतला बारीक बारीक कद्दूकस कर लीजिए। और करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर रख देना है। अब इतनी देर रखना है, देखें जैसे मैं छिलके फेंकने गई थी और उसके बाद बाकी आलू फ्रिज में रखा, और उतनी देर के बाद फिर जो है मैंने छोड़ दिया था इसको, और उसके बाद अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल लिया था। अच्छे से पानी निकालना है, बिल्कुल अच्छे से। आधे छोटे छोटे साइज़ के आधे आलू में से ना तकरीबन 1 चम्मच पानी निकल आता है आलू का। ये मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ, देखें 1 चम्मच तकरीबन पानी निकला है। अब मसूर की दाल लेके ना रेड वाली, उसकी आप लोगों ने उसको क्रश करके तो बना लेना है, ग्राइंडर में चॉप कीजिए ड्राई ग्राइंडर में, और उसके बाद उसको अच्छे से छान के आपने इसका पाउडर बना लेना है। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, जैसे कि देखिए मैंने छानने में मोटा मोटा रहने दिया था और पाउडर मैंने रख लिया था। अब आपने आलू के मिक्सचर, आलू के 1 चम्मच जो है पानी में थोड़ा सा ना नींबू के 3-4 कतरे डालने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने इसमें डालनी है मसूर की दाल का पाउडर, रेड दाल का, मतलब अब मसूर की होती है पता नहीं शायद, हाँ। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, ज़्यादा गाढ़ा भी ना कीजिएगा और ज़्यादा ड्राई भी ना रहने दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने इसको नीट एंड क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, और हमेशा जब भी कोई मास्क लगाया करे ना, धुले हुए मुंह पे लगाया करें, इस तरह मास्क का अच्छा इफेक्ट आता है। और उसके बाद आप लोगों ने लगाने के बाद जो है इसको तकरीबन 10 मिनट छोड़ देना है, ठीक है। सर्दियाँ तो इतना लॉन्ग लास्टिंग मास्क को ना लगाया करें, गर्मियों में ही होता है ना कि हमारा अपना पसीना निकलता है, तो वो मास्क को इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता, और स्पेशली ड्राई स्किन वाले तो ज़्यादा देर ना रखें। और ये देख सकते हैं आप, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। और अच्छा जी, आप लोगों ने वीडियो देख ली, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस किसको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, अगर आप किसी और वीडियो वगैरह की सजेशन वगैरह देना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो की सजेशन दे सकते हैं, या इस जो है मास्क के बारे में कोई क्वेरी वगैरह होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलें जी, फिर अल्लाह हाफिज़।